फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो दिन हो गया हमारा डाउन टाउन बैरूत में, ये जो आपको मेरा पीछे एरिया नज़र आ रहा है, ये डाउन टाउन ओल्ड एंड न्यू स्ट्रक्चर दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिले। बैरूत में ये लबनान डाउनटाउन है और यहाँ पे आपको सारे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सब आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा मॉडर्न भी है और ओल्ड भी है, ओल्ड एंड मॉडर्न दोनों टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बिल्कुल आपको यूरोपियन स्टाइल का जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जैसा आप जर्मनी वगैरह जाते हो, फ्रांस, जिस तरह वहाँ पे मार्केट्स होती हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी खूबसूरत स्टाइल बनाया हुआ है, ओपन किस्म का जो है शॉपिंग मॉल है, हर किस्म की बड़ी बड़ी ब्रांड्स आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। ये शहर के बीचों बीच डाउनटाउन के बहुत ओल्ड स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर करीब 1500 साल पुराना है। इन्होंने ये जगह जो है छोड़ी हुई है यहाँ पे, मतलब बीचों बीच शहर के जो आसार है ओल्ड एंशिएंट उन्होंने छोड़े हुए, ये रोमन पीरियड के जो है वो आसार हैं। ये डाउनटाउन के बीचों बीच आपको मिलेंगे शॉपिंग। के बीचों बीच एक सिनेमा सिटी बनाया हुआ है जहाँ पे डिफरेंट काइंड का मूवीज वगैरह आप देख सकते हैं। बड़ा बड़ा सिनेमा नज़र आ रहा होगा, बहुत ओल्ड बिल्डिंग है ये। ये बिल्डिंग करीब 100 साल पुराना है, ओल्ड बैरूत की जो है वो पहचान आपको दिखाता है। यहाँ बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे शॉपिंग मॉल्स होते हैं बड़े क्लोज, वो नहीं है, यहाँ पे सारा ओपन है यहाँ पे एरिया। और इसके दूसरी तरफ जो है पोर्ट वगैरह है।
जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल जदीद किस्म की बिल्डिंग्स हैं और ये वेस्टर्न आर्किटेक्चर आपके यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और इस तरफ जो है वो समंदर वगैरह है जो आपको देखने को मिलेगा। ये शोरूम है लैंड रोवर वगैरह का और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं समंदर की तरफ। बहुत खूबसूरत माहौल है यहाँ पे, हरियाली बहुत ज़्यादा है बेरूत के अंदर, लेबनान के अंदर हर तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आती है। इसके अलावा बात की जाए तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव कंट्री है और यहाँ की करेंसी की वैल्यू बहुत डाउन है। लेबनान की जो करेंसी है उसकी वैल्यू थोड़ी डाउन है, एक डॉलर जो है वो लेबनान के 1500 लीरा के बराबर होता है। लीरा यहाँ की करेंसी का नाम है, यहाँ की करेंसी को लीरा बोला जाता है। और नॉर्मली जो आप यूएई वगैरह से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव कंट्री है लेबनान, लेकिन बहुत खूबसूरत कंट्री है। यहाँ का वेदर बहुत ज़बरदस्त है और साफ़ सुथरा है। हालांकि यहाँ पे कोई 30 साल तक जो है सिविल वॉर रहा है, उसके बावजूद उन्होंने खुद को दोबारा से डेवलप किया है। अभी हम जिस तरफ जा रहे हैं वो है बीच की तरफ जा रहे हैं, समंदर की तरफ जा रहे हैं। मेरे पीछे आपको बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल की बिल्डिंग वगैरह नज़र आ रही होंगी। अभी लेबनान में बहुत अमन है, बहुत मतलब शांति है, यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम्स नज़र आ रहे होंगे, लग्जरी गाड़ियों के, और काफ़ी सारी यहाँ पे आपको लग्जरी गाड़ियाँ भी देखने को मिल रही होंगी। इस डाउनटाउन की तरफ जो भी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का है। बिल्डिंग्स देखें आप यहाँ पे, वेस्टर्न टाइप का आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि जो लेबनान है ये मिडिल ईस्ट में तो आता है लेकिन यूरोप से करीब तर होने की वजह से यहाँ का जो माहौल है वो यूरोपियन टाइप का आपको देखने को मिलता है। बहुत साफ़ सुथरा माहौल है लेबनान का, बेरूत का, बेरूत डाउनटाउन में। आपको ये नई बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये सब मॉडर्न स्ट्रक्चर है, हालांकि ये 5000 साल पुराना कंट्री है। यहाँ पे आप देखें याच क्लब है, परमिश टाइप का बना हुआ है, आपको दिखता होगा काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे घूम रहे हैं और बोट्स वगैरह खड़ी हैं। बहुत अच्छी ज़बरदस्त जगह है घूमने के लिए, एक अच्छी जगह है और साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ का, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल नज़र आ रहा होगा। इस तरफ आप देखेंगे तो हाई लेवल की बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे आपको, होटल वगैरह। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और इस तरफ जो है कॉर्निश है, याच क्लब है, बोट्स वगैरह चलती हैं, ओपन रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, हम लोग खा सकते हैं। स्ट्रीट फूड टाइप का जो है ये जगह है। ये मेरे फ्रेंड्स लोग आगे जा रहे हैं, यहाँ पे बोट्स देखेंगे आप, लग्जरी किस्म की बोट्स नज़र आ रही होंगी। अगर घूमने के लिए कोई आना चाहता है लेबनान बेरूत तो बहुत ज़बरदस्त जगह है घूमने के लिए, अच्छा माहौल है यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। और इस टाइम शाम का टाइम हो गया है, शाम के टाइम पे तो थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, इसकी वजह से आपको सही के लिए नज़र नहीं आ रहा होगा। ये बिल्डिंग्स देखेंगे ना मेरे पीछे, ये आपको देखें बहुत खूबसूरत सी बोट्स नज़र आ रही है। ये जो पीछे बिल्डिंग है ये याच क्लब है, याच क्लब, ये सारी याच क्लब पर खड़ी है। और पीछे जो है इसके खुला समंदर है, यहाँ से लोग जाते हैं याच वगैरह पे बोटिंग करने के लिए। वो ज़बरदस्त जगह है, डाउनटाउन जो है वो एक ज़बरदस्त जगह है घूमने के लिए। अगर आप यहाँ आते हैं तो इस जगह ज़रूर आएँ, घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे आपको सारे मेरे पीछे नज़र आ रहे होंगे, सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ओपन रेस्टोरेंट्स, फूड स्ट्रीट टाइप की जगह है ये। ये देखें स्पीड बोट और यहाँ पानी में बहुत सारी मछलियाँ हैं तो नज़र आ रही होंगी। ये
ये पानी के अंदर देखें आप कितनी सारी मछलियां हैं तैर रही हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा मछलियां हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, बहुत छोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा मछलियां हैं यहाँ पे। वाटर स्कूटर वगैरह खड़े हैं, अच्छी जगह ये, देखें मछलियों को कैसे तैर रही हैं पानी के अंदर। अभी हम लोग जा रहे हैं आगे आगे जाते जा रहे हैं, कश्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं, रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं, और मेरे दोस्त आगे निकलते जा रहे हैं। अभी शाम का टाइम होने जा रहा है, इसके लिए थोड़ी देर के बाद मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगा। थोड़ा आगे जाएँगे, थोड़े आगे के भी आपको नज़ारे दिखा दूँगा। तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत फैमिली वगैरह यहाँ पर आ रही होती हैं, रेस्टोरेंट्स आपको हर तरफ नज़र आ रहे हैं। ये हमारे दोस्त हैं इब्राहिम, मिस्टर इब्राहिम फ्रॉम केरला इंडिया, और ये हमारे साथ हैं अभी। ये जो भी आपको ये हर टाइप नज़र आ रही है, सारे रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट हैं चारों तरफ यहाँ पे, और यहाँ पे लोग आते हैं और खाते आते हैं। अभी हम अपना आज का जो डाउनटाउन का व्लॉग था उसको यहीं पे एंड करेंगे, और क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, शाम हो रही है, बिल्कुल अंधेरा छाने वाला है, तो इसीलिए अभी हम लोग इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।